हेलो व्यूअर्स, आज एक जो वीडियो कॉन अल्ट्रा स्लिम का जो किट है, मदरबोर्ड किट, तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये एक बार ऑन होके ही ऑफ हो जा रहा है। मतलब कि स्टैंड बाई से रिलीज़ करने के बाद कुछ देर चलता है कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है कि सडनली ऑफ हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। तो आज देखेंगे कि इसको कैसे हम फॉल्ट आउट करते हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों, ये टीवी का जो बैक साइड है बोर्ड का, तो ये कुछ उल्टा तरफ से ऐसा दिखता है नीचे की तरफ से। तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो वोल्टेजेस है, जो ऑक्सिलरी वोल्टेजेस है और जो प्राइमरी वोल्टेजेस है, जिसके बिना टीवी ऑन नहीं होता, तो वो वोल्टेजेस अब चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने वोल्टेज जो टीवी को पावर दे दिया है, तो अभी 110 को चेक करेंगे कि 110 वोल्ट हमारा ठीक है कि नहीं है। देखिए, 110 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। ये स्टैंड बाई रिलीज अभी नहीं हुआ, तो स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद अब एक वोल्टेज चेक करेंगे। दूसरा वोल्टेज है हमारा, सॉरी, वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज माइनस वोल्टेजेस, ये बिल्कुल सही है, -15 वोल्टेज। ओके, और ये है आपका जो वर्टिकल का जो पॉजिटिव वोल्टेज है 16 वोल्ट, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है ड्राइवर वोल्टेज 26 वोल्ट, ओके, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए। और उसके नीचे है, ये है माइक्रो कंट्रोलर वोल्टेज जो मेन आईसी पे सप्लाई जाता है 10 वोल्ट, वो सही है। और उसके नीचे है साउंड सप्लाई, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी तो स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद वो टीन आर पे चेक करेंगे। तो अभी स्टैंड बाय रिलीज़ होने से पहले यहाँ पर जो मेमोरी आईसी है, तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल सही दिखा रहा है, 4.8 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए अभी टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ। तो मैंने टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ किया, और यहाँ पर जो वीडियो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए, 113 वोल्ट। तो अभी इसको स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ। देखिए, स्टैंड बाई रिलीज कर दिया, 180 78, ये सही है। टीवी अभी ऑन है, एच टीवी हो रहा है, तो इसलिए 178 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, देखिए फिर से बंद हो गया। देखिए बंद हो गया, फिर से मैं रिलीज करता हूँ, एच टी हो रहा है। देखिए, 180 वोल्ट आके ही चला जा रहा है। फिर से एक बार ऑन करता हूँ, देखिए 178 वोल्ट आके चला जा रहा है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद कुछ तुरंत ही हम लोगों को वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि ये सारा जो बोर्ड होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका वर्टिकल आईसी यहाँ पर जो लगा हुआ होता है, ये कभी कभी खराब होने से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन वर्टिकल आईसी सही है, क्योंकि शॉर्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं दिखाता। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिलीज करता हूँ वोल्टेज को, टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। देखिए देखिए, टीवी और अभी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है। अभी टीवी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो पा रहा है, 114 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ, लेकिन स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। तो फिर से मैं पावर को एक बार ऑफ करके देता हूँ, ऑफ कर दिया। तो अभी ऑन करता हूँ पावर को। तो ऑन करने के बाद अभी चेक करेंगे कि इसका जो 8 वोल्ट और 5 वोल्ट है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 वोल्ट पे अभी चेक करेंगे, यहाँ पर रेगुलेटर सेक्शन है, तो ये रेगुलेटर सेक्शन पे अभी चेक करेंगे 5 वोल्ट स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद। देखिए, जहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए था वहाँ पर 4 वोल्ट है, 4.1 वोल्ट, 4 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए, और 8 वोल्ट ये भी सही है। यहाँ पर देखिए बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। देखिए वोल्टेज भी यहाँ पर ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 4 वोल्ट, देखिए 4 वोल्ट पे तो टीवी नहीं चल चल सकेगा यहाँ पर, तो इस पे 5 वोल्ट चाहिए। तो अभी क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर जूम करके दिखाओ, तो यहाँ पर जो रेगुलेटर सेक्शन है, यहाँ पर रेगुलेटर सेक्शन, इसका जो बेस है 2482 का आईसी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इस पे क्या होगा कि यहाँ पर इसका बेस पे 5 वोल्ट होना चाहिए, तभी ये इमीटर से 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। ठीक है, तो अभी इसके यहाँ पर बेस को चेक करेंगे कि बेस पे 5 वोल्ट आ रहा है क्या या नहीं। तो मैंने स्टैंड बाय से फिर से रिलीज करना पड़ेगा।
सनवाइज से रिलीज किया, देखिए 4.9 वोल्ट, इसका बेस पे 4.9 वोल्ट अभी प्रेजेंट है, 4.9 वोल्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन 5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है। देखिए फिर से रिलीज करता हूँ, देखिए ओनली 4 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को सभी पता है कि ये वो ये कैसे ये वहाँ पर क्या क्या चेक करना है। पहले सबसे पहले इसका जो मेन कंट्रोलर आईसी है, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 12 वोल्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, मैं स्टैंड बाय से रिलीज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए देखिए 11.3 वोल्ट, इससे कोई फर्क नहीं है, तो ये यहाँ पे चल चल जाएगा, जितना सारा वोल्टेज है काफ़ी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है, तो देखिए तो यहाँ पर जितना सारा कैपेसिटर है, सप्लाई कैपेसिटर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए जो कैपेसिटर है वो चेक कर आपको एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है 2482 का, ये ट्रांजिस्टर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेंज करने के बाद, उस चेंज करने से पहले आपको यहाँ पर जो 5 वोल्ट का जो कैपेसिटर है वो आपको रिप्लेस कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद भी अगर काम नहीं बन पा रहा है, तो आपको यहाँ पर जो ट्यूनर सप्लाई है, यहाँ पर ये ट्यूनर को ओपन करना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक टेक्नीशियन मेरे को दिखाया, मैं समझा कि ये प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मैं ज़्यादा और पार्ट्स को चेंज करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो टेक्नीशियन था वो उसने मैं जो आपको जो जो बोला वो सब वो टेक्नीशियन ने किया। ठीक है, तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे, एक ट्रिक हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मीटर को ओम रेंज में रखेंगे, मैंने मीटर को ओम रेंज में रखा, रखने के बाद ओम रेंज में रखने के बाद क्या करूँगा कि यहाँ पर इसका ओम कितना दिखा रहा है दिखाऊंगा, जो 5 वोल्ट का सप्लाई में ओम दिखा रहा है 470 472 ऐसा करके। अगर ये 400 के ऊपर है तो आपका टीवी बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप होने का कोई कारण नहीं है। तो इस प्रॉब्लम तो कैसे इसको सॉल्व करता हूँ देखिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 2482 का जो ट्रांजिस्टर है कुछ इस तरह का दिखता है। तो 2482 का आईसी जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरह का दिखता है, देखो फिर मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो ये 2330 का, 2330 और 2482 वो सेम ही होता है, तो आपको इसे कोई नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी पैरालल पे इसको सेट करना पड़ेगा। पैरालल पे मतलब इसका बेस जो लगा हुआ है दोनों एक साथ, इसका बेस और इसका बेस सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करके तो मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर सेट कर चुका हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, दो ट्रांजिस्टर एक साथ लगा दिया है पैरेलल पे। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन करके, तो अभी स्टैंड बाई को रिलीज करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं अभी इसको स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ। देखिए जहाँ पर 4.1 वोल्ट और 4 वोल्ट था, वहाँ पे अभी देखिए 4.85 वोल्ट आ चुका है, और टीवी भी आप देख सकते हैं उसका जो ESD हो रहा है, और आपका जो पिक्चर जो स्नो है वो भी आ चुका है, देखिए अभी 4.87 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको एक बार निकालूंगा, तो निकाल के आपको फिर से दोबारा चेक कराऊंगा। ठीक है, मैं इसको अब अभी निकालता हूँ यहाँ से। देखिए क्या हुआ हो रहा है, देखिए फिर से वोल्टेज ड्रॉप हो गया, देखिए 4.9 वोल्ट आके चला जा रहा है, देखिए देखिए 4.7 वोल्ट, इससे तो टीवी नहीं चलेगा, आपका मिनिमम 4.5 से ऊपर होना पड़ेगा तभी चीज चलेगा। देखिए फिर से आया, फिर से चला गया, फिर से आया, फिर से चला गया। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये दो आईसी, ये दो ट्रांजिस्टर को एक साथ आप
इसमें फिट कर दीजिएगा तो ये काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका जो एम्पीयर का लोड है वो ड्रॉप हो जा रहा है। तो अगर आप ये ट्रांजिस्टर दो लगा दोगे इसके जगह पर, सेम ट्रांजिस्टर एक साथ दो लगा दोगे एक ही कनेक्शन करके, मतलब बेस का बेस से, इमिटर का इमिटर से और कलेक्टर को कलेक्टर से ऐसे जोड़ दोगे, तो इसका एम्पियर और वाट का जो लोड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही बेसिक रूल है, ओम का जो रूल है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके इसको लगा दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर से आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, आपके लाइव कर रहा हूँ मैं, कोई इसमें कट नहीं किया। ठीक है, काम करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि वीडियो बनाना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप लोगों का कमेंट आता है कि वीडियो डालिए सर, वीडियो डालिए, लेकिन क्या काम इतना प्रेशर होता है कि वीडियो बनाना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैंने लगा दिया, अभी इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। देखिए देखिए 4.84 वोल्ट, देखिए स्टेबल हो गया, वोल्टेज और ड्रॉप नहीं हुआ, ये दो ट्रांजिस्टर मिलके इसका वाट बढ़ गया। ठीक है, तो सारी वोल्टेजेस तो सही है और वोल्टेजेस चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए 8 वोल्ट बिल्कुल सही आ गया, यहाँ पर 5 वोल्ट बिल्कुल सही आ गया, वो 2 वोल्ट कम होगा इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए 4.91 वोल्ट मेमोरी आईसीपी, एससीएल वोल्ट एंड एचडीएल वोल्ट, सब सब कुछ सही है। ठीक है, तो किसी किसी टेक्नीशियन ने अभी कहोगे कि यहाँ पर तो 78.5 भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब तक आप स्टैंड बाय से रिलीज नहीं करोगे तब तक यहाँ पे 5 वोल्ट आना नहीं चाहिए, स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद ही आना चाहिए यहाँ पर। नहीं तो क्या होगा कि ये जो आईसी है, ये मेन आईसी है, इसमें लगातार 5 वोल्ट जो आता रहेगा तो ये आपका आईसी खराब होने का चांस बहुत ज्यादा होता। ठीक है, तो इसलिए आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, जहाँ पर वोल्टेज प्रॉब्लम हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सप्लाई पे आपको ओम्स चेक करना पड़ेगा। ओम्स आपको 400 से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, 400 से ऊपर रहेगा और दोनों तरफ से नहीं दिखाएगा, एक तरफ से आपको 400 दिखाएगा, दूसरी तरफ 0 दिखाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप काम कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, और जो प्रैक्टिकल जो थियोरी नॉलेज है वो आप अगर ऐसे करोगे तो आपका जो काम है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल हो गया, 4.91 वोल्ट, अभी टीवी चल रहा है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और सारी वोल्टेजेस भी सही है। देखिए 110 आपका 110 वोल्ट, देखिए देखिए 113 वोल्ट, देखिए सब कुछ ठीक है, 113 वोल्ट यहाँ पर, देखिए 17 वोल्ट ये वर्टिकल सप्लाई के लिए है, माइनस सप्लाई वर्टिकल सप्लाई के लिए, और देखिए 12 वोल्ट का, देखिए माइक्रोकंट्रोलर के लिए, सब कुछ सही है। ठीक है, तो आप इसी तरह से काम कीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है वहाँ से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपने टेस्ट करना सीख लिया तो आप पूरा टेक्नीशियन बन जाओगे, किसी नए टेक्नीशियन भी इस काम को सीख सकते हैं, और जो टेक्नीशियन पहले से काम कर रहा है तो आपका काम करने का जो तरीका है वो आप चेंज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।